खुश रंग परिंदों ने बरसात कंकर की दिल जो दिल जो बहुत अमदा मदरसे पर चार एतराज होता है। पहला एतराज होता है, ये मदरसा फालतू है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये एतराज कौन करता है? जो इस्लाम का दुश्मन है वो एतराज करता है। दूसरा एतराज मदरसे पर होता है, 1400 साल पुराना हो चुका है, अब इनकी जरूरत नहीं है। ये एतराज कौन करता है? मुसलमान करता है। तीसरा एतराज मदरसे पर होता है, मौलवी अगर खानकाह में है तो एतराज होता है, तो दुनिया से बेखबर है। मौलवी अगर सियासत में चला गया तो एतराज होता है कि सियासत से मौलवी को क्या मतलब है। मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, लोग उन पर भी एतराज करते थे कि मौलवी को सियासत से क्या मतलब है। उस मौलवी ने सियासत में आकर के सियासत को चुस्त और दुरुस्त कर दिया। ये मौलवी ही का करम है, मौलवी ही का सत्ता। ध्यान दीजिएगा, जब मदरसे में मौलवी होता है तो क्या कहते हैं, मदरसे से निकल करके कहां जाएंगे? जब मौलवी मालदार हो जाता है तो कहते हैं कि करोड़पति कहां से बन गया? अरे अल्लाह के बंदे, आपको मदरसे की कदर नहीं है, आपको आलिम की कदर नहीं है। अगर आपने नाकदरी की आलिम की, आपने नाकदरी की मदरसे की, अल्लाह आपके खानदान से इल्म को उठा ले। एक नुकसान तो ये होगा, और आपको पता नहीं है कि मदरसे की वजह से ये क्या क्या बाकी है। अगर ये मदरसा खत्म हो गया, ये मौलवी खत्म हो गए, हिंदुस्तान से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। और ये मदरसा कैसे चलता है? हमारी जेब से नहीं चलता, सरकार की जेब से नहीं चलता, अल्लाह के खजाने से चलता है। हमारे घर मुसीबत है, सदके का पैसा मदरसे में आ गया। हमारे घर मुसीबत है, मदरसा आबाद हो रहा है, अल्लाह अपनी रहमत से बरकत से मदरसे को चला रहा है। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है तो हाथ रहिए, इंशाल्लाह घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। कुआं में कुत्ता गिर गया, मौलवी साहब के पास गांव वाले आए कि अब क्या करेंगे, कुत्ता गिर गया। कहा कि कुआं का सारा पानी निकाल दो। कहा कि सारा पानी कैसे निकलेगा? कहा 100 बाल्टी 200 बाल्टी निकाल दो। 100 200 बाल्टी निकाल करके लोग आए कि 100 200 बाल्टी कुआं निकाल दिया, कुत्ते का क्या करें? कहा कुत्ता नहीं निकाला। कहा कुत्ता नहीं निकाला? कहा कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो, नालायक, कही के पहले कुत्ता निकालना चाहिए उसके बाद पानी निकालना चाहिए। गांव वाले ने कहा कि आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं, आपने बताया क्यों नहीं? तो पहले कुत्ता निकाला जाता, बाद में पानी निकाला जाता। इस्लाम के इस मरकज से हुई तकदीर से आया आजादी की, इस बामे हरम से गूंजी है 100 बार आजादी की। आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल, आंखों ने कहा देखा होगा इखलास कैसा ताज महल। कुछ बात है के हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान। देखिए इसमें लिखा हुआ है जलसा सीरतुन नबी, इसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम देता हूं।
जलसे का उन्वान जलसे के साथ मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नबी का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। नबी का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते, नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ कर दिया कि आप दाएं हाथ से खा भी नहीं सकोगे, वो हाथ नाकाम हो गया। अब यहाँ राज की बात सुनने की है कि नबी ने तो बद्दुआ नहीं किया, लेकिन इस आदमी को क्यों बद्दुआ किया? जो बाएं हाथ से खा रहा था, नबी ने कहा दाएं हाथ से खाओ, उसने दाएं हाथ से नहीं खाया। उसने कहा मैं खा नहीं सकता, नबी ने बद्दुआ कर दिया, तुम खा भी नहीं सकते, वो ना हाथ नाकाम हो गया। दरअसल उसने नबी की शान में बेअदबी की, उसको सजा मिलनी थी। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि दुनिया ही में सजा मिल जाए ताकि जहन्नम की सजा से बच जाए। तीसरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अभी पूरे मजमे से पूछूंगा एक सवाल कि आप क्या तमन्ना करते हैं, तो आप कहेंगे काश के नबी के जमाने में पैदा होता, नबी को देखता, नबी की सोहबत में रहता, नबी का कुरान सुनता, नबी की खिदमत करता, आपकी ये तमन्ना होगी। यहां तक तो सही है, लेकिन इससे आगे अगर आपने ये तमन्ना कर ली कि मुझे अल्लाह ताला ने उस जमाने में क्यों पैदा नहीं किया, मुझे इस जमाने में क्यों पैदा कर दिया, तो ये खुदा की नाफरमानी हो जाएगी, ये हसरत मासियत में तब्दील हो जाएगी। तीसरी बात को याद रखिए, आपकी तरक्की कैसे होगी? नबी की सुन्नत पर आप खड़े हो जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप कहेंगे गैर कौम तो तरक्की कर रही है, नबी की सुन्नत पर नहीं है, वो कैसे तरक्की कर रही है? उनको तरक्की का धोखा है, चूहा पकड़ने के लिए घी और रोटी में मिलाकर के पिंजरे में डाला जाता है। उनका हिसाब किताब दुनिया ही में बराबर, आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है। मुसलमान को तरक्की सुन्नत छोड़ने पर नहीं मिलेगी, सुन्नत पर खड़ा होने पर मिलेगी। मुसलमानों में तीन तरह के लोग हैं, एक तो वो है सुन्नत से मतलब रखते हैं अपने लिए, ये भी ठीक है। दूसरा वो है जो अपने लिए भी मतलब रखते हैं, दूसरे के लिए भी मतलब रखते हैं, ये भी ठीक है। और तीसरा बदकिस्मत वो है नबी की उम्मत में कि उनको नबी की सुन्नत से मतलब ही नहीं है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालता। एक आदमी ने, बेवकूफ ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर छोटा होता है दाढ़ी लंबी होती है वो बेवकूफ होता है। उसने किताब में पढ़ लिया था कि छोटा सर वाला और बड़ी दाढ़ी वाला बेवकूफ होता है। उसने सोचा कि अपना छोटा सर को बड़ा तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन बड़ी दाढ़ी को छोटी कर सकता हूं। उसने कैंची वैची तलाश किया कि कैंची वैची कहीं मिल जाए, कैंची नहीं मिली। तो उसने देखा कि चराग जल रहा है, जहां तक दाढ़ी रखनी थी मुट्ठी से उसे पकड़ लिया, दाढ़ी चराग के पास लेकर के आया तो हाथ छुट गया, पूरी दाढ़ी जल गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी जल गई। हर एक काम तेरा बड़ों से जुदा है, वो पाबंद तू सर पे फिदा है, हनुदो नसारा का क्यों थूक चाटा, के मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा, शर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, तमाशाई मत बन खबरदार हो देता हूं, पांच से सात मिनट में आपका जलसा निकल जाएगा। औरतों तक पहुंचूंगा, औरतों के हवाले से पैगाम दूंगा, आपकी तादाद से उनकी तादाद बड़ी है, इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे वहां तक, पांच से सात मिनट तक साथ देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह, पूरा साथ देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, सुनाने के लिए जा रहा, घर में जो आपके तकलीफ होती है, दो तरह की तकलीफ होती है,
एक तकलीफ तो आती है सजा के लिए और एक तकलीफ आती है सवाब के लिए। कैसे पता चलेगा कि ये जो तकलीफ हमारे घर में आई है ये सवाब के लिए है सजा के लिए है? मैं राज बता रहा हूं। तकलीफ आई, आप नेक हो गए, नाफरमान नहीं रहे, इसका मतलब है ये तकलीफ सवाब के लिए आई है। तकलीफ आपके घर में आई, आप नाफरमान ही रहे, नेक नहीं हुए, नेकी पर खड़े नहीं हुए, इसका मतलब है ये जो तकलीफ अल्लाह ने भेजी है आपके गुनाहों की सजा है। एक बात याद रखिए, आपका दिल मजबूत होगा। दुनिया में कोई ऐसा घर ही नहीं जिसमें तकलीफ नहीं है। कोई बड़ा से बड़ा आदमी ये दावा नहीं कर सकता मेरे घर में तकलीफ नहीं है। तकलीफ से कोई घर खाली ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुनिया जन्नत नहीं है। जन्नत में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ कदम कदम पर तकलीफ उठानी पड़ेगी। एक मिसाल सुना रहा हूं, उससे आपका दिल बहुत मजबूत होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा। तकलीफ की मिसाल इस दुनिया में डॉक्टर का ऑपरेशन है। मरीज को बता दिया ऑपरेशन है, तो मरीज ऑपरेशन कराता है कि नहीं कराता? इस ख्याल से कराता है कि चंद दिन की तकलीफ है, उसके बाद जख्म खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये दुनिया में चंद दिन की तकलीफ है, उसके बाद जन्नत में आराम ही आराम होगा।